आप महादेवा विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी थे, आपको टिकट क्यों नहीं दिया गया? बसपा के जो कोऑर्डिनेटर हैं घनश्याम खरवार जी, आज 1.5-2 साल पहले जो है हमको हमारे घर से बुलवाया गया और ये कहा गया घनश्याम खरवार द्वारा कि आप बहुजन समाज पार्टी में आइए, आपको विधानसभा महादेवा से चुनाव लड़ाया जाएगा। हम उनकी बात को सुन करके हमने कहा साहब मेरा बहुत शोषण हुआ है, ऐसा ना हो फिर यहाँ पे मेरा शोषण हो। उन्होंने कहा नहीं, विश्वास दिला रहे हैं बहुजन समाज पार्टी है, ये निर्बल गरीबों की पार्टी है, आपके साथ पूरा न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा, आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। उनकी बात सुन करके हरिशंकर चौधरी के घर पे मैं प्रभावित होकर के बहुजन समाज पार्टी को मुझे ज्वाइन करवाए और फिर उन्होंने कहा कि आपको पार्टी फंड में कुछ पैसा देना पड़ेगा। हमने कहा साहब ठीक है, मैं बहुत पैसा तो मेरे पास है नहीं, लेकिन 10 लाख रुपया हम पार्टी फंड में जमा कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, कुछ और आपको देना पड़ेगा। हमने कहा साहब आप ही बता दीजिए क्या देना पड़ेगा, हो सकता हमारी पहचान ना हो तो कहाँ से दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा 25 लाख रुपया आपको जमा करना पड़ेगा, आपको बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिलेगा लड़ने के लिए। हमने कहा साहब ठीक है, हम 25 लाख रुपया जमा करेंगे। रुपया हमारा घनश्याम खरवाल जी एक बार जमा करवाए और 1 लाख रुपया फिर दोबारा गए बहन जी से मिलने के लिए, मुलाकात नहीं हुई, वो रुपया जय हिंद के माध्यम से 1 लाख रुपया जिलाध्यक्ष ने जमा करवाया। आपने अब तक कुल कितना पैसा दिया? अब तक सब मिला करके 40 लाख रुपया हमारा लिया गया है और 3,20,000 रुपया घनश्याम खरवार विधानसभा मेंटेनेंस के लिए अपने घर पे हमसे लिए, जिलाध्यक्ष ने दिलवाया। 43,000 से ऊपर आप जी, 43 लाख जी, और कम से कम 25 लाख रुपया मेरा चुनाव प्रचार प्रसार में लगा था, जो कि मैं पार्टी के लिए कार्यरत था, मैंने काम किया, ये पैसा मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जो चुनाव के नाम पे हमारा पैसा जमा करवाया था, हमको टिकट नहीं दिया गया है, तो उस पैसे की वापसी हमारी होनी चाहिए। आज लोकतंत्र में इस तरीके से जो लोग कर रहे हैं, आज लोकतंत्र में कुठारा घात लोग कर रहे हैं, संगठन बना के पार्टी बना करके एक संगठित रूप से ये लोग योजनाबद्ध तरीके से घनश्याम खरवार द्वारा पूरे प्रदेश में पूर्वांचल में संगीत में थोड़ा सा उत्साहित लोग रहते हैं, उनको ये लोग ला करके उनकी जमीन जायदाद को बेचवा करके उनको ठगने का काम करते हैं और 1-2 साल विधानसभा में चलाने के बाद में जो उनसे ज्यादा पैसा देते हैं, जो प्रभावशाली लोग रहते हैं, उनको हटा करके उनको उम्मीदवार बनवा दिया जाता है दूसरे को। वही स्थिति मेरे साथ आज हुई है। हमने अपनी एक दुकान साउ धर्मशाला के सामने 65 लाख का जो मैं अपने बच्चों के लिए बनवाया था, 65 लाख की मैं दुकान बेच करके उसमें से मैं रुपया घनश्याम खरवार को ले जाके दिया और पार्टी कार्यालय पे वो हमको लेकर गए, पैसा दिए। उसके बाद हमको कह रहे हैं अपने लड़के को ला करके यहाँ पे, फिर लक्ष्मी खरवार को ला करके यहाँ विधानसभा में उन्होंने स्टैंड कर दिया और अपने क्वालिनेटर होने के दम पे पार्टी में पावरफुल होने के नाते हमारे टिकट को कटवा करके अपने बेटे को लड़ाने का वो काम कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हर उम्मीदवार के साथ बहुजन समाज पार्टी के क्वालिनेटर लोग इसी तरीके से काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी हमारी बहुत अच्छी पार्टी थी, हमारी बहन जी जो है वो बहुत अच्छी थी, लेकिन आज प्रदेश के अंदर जितने भी लोग गलत कार्य पार्टी के खिलाफ किए हैं, ये सारे क्वालिनेटर हैं जो संगठित होकर के ये अपराध करने का काम कर रहे हैं। इनके घर हजारों हजारों करोड़ रुपया शोषित कर करके शोषण कर करके गरीबों का अमीरों का पैसा लूट करके अपने घरों में भरे हुए हैं। मैं केंद्रीय जांच ब्यूरो से, मैं केंद्रीय एजेंसी से मांग करता हूँ, आयकर विभाग से मांग करता हूँ कि इनके संपत्तियों का जांच होना चाहिए। इनके पास हजारों हजार करोड़ रुपया कहाँ से आया, इनकी सरकार जांच करे। एक किसी आदमी के पास अगर 50 लाख 60 लाख 2 करोड़ 4 करोड़ निकल जा रहा है, उसके लिए सरकार जांच करवा रही है, उसके खिलाफ FIR हो रहा है, उन्होंने सरकार का पैसा चोरी किया।
किया है, उन्होंने आयकर विभाग का पैसा चोरी किया है, समाज का पैसा चोरी किया है, उनके खिलाफ आयकर विभाग का जांच होना चाहिए, उनके संपत्ति का जांच होना चाहिए। और साथ साथ उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के सोनकर समाज को मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, सोनकर समाज के लोग तुम सावधान हो जाओ, तुम्हारे लिए मैं संघर्ष पे उतरा हूँ, तुमको संघर्ष का जरूर फायदा मिलेगा। अखिल भारतीय सोनकर महासभा के नाम से हमने तुम्हारी पार्टी का गठन कर दिया, इस समय 21 जिलों में जिला अध्यक्ष मैं बनवा चुका हूँ, एक महीना के अंदर 75 जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करके मुंह तोड़ जवाब इन गद्दार पार्टियों को मैं देने वाला हूँ।